को डायरी लिखना। तो दोस्तों मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि यदि अपन कुछ करना चाहते हैं तो कैसे नहीं होगा। आज पूरी रात हो गई, अब सोऊंगी, जितने भी बजे उठे नींद पूरी हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा काम कंप्लीट हो गया, बस मुझे इसमें पिक लगाने हैं, वो कल मैं निकल पाऊंगी और पिक लगाऊंगी। उसके बाद परसों मुझको ये डायरी कॉलेज में जमा करनी है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रही थी कि अपने को कितना एडजस्ट करना पड़ता है जिंदगी में। मैं इसलिए रात में काम कर रही क्योंकि मेरी बेटी आई हुई है, शाम मतलब रात 10 बजे तक तो हम लोग टीवी देख लेते हैं, मस्ती कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने अपना काम करना शुरू किया, तब तक वो लोग सो चुके थे। मैं पूरी रात हो गई है मुझे और मेरा काम, लेकिन अब जो कल का दिन है वो मैं उसके साथ बिताऊंगी। हम लोग अपना खुद का कुछ भी काम करेंगे, लेकिन ये काम तो कंप्लीट हो गया। तो अपने को कई बार रात में जगना पड़ता है काम करने के लिए, कोई बात नहीं, नींद चली जाएगी, दूसरे दिन रहेगी, लेकिन अपने मन को इतनी शांति मिलेगी कि अपने काम कंप्लीट कर लिया। और ये कर लिया तो आगे अपन कभी भी कुछ भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन मन में ठान लेंगे कि हाँ ये करना है तो करना ही है। तो मेरे साथ एक वादा करिए, जो भी काम करेंगे मन लगा के करेंगे और अपने बच्चों को भी खुश रखिए। क्योंकि यदि मैं ये काम अभी नहीं करती तो कल दोपहर में करती, ना घर का काम होता, ना उनके साथ मैं एंजॉय कर पाती। वो आई है बॉम्बे से हमारे यहाँ होली करने, जितने भी दिन रहेगी तो मतलब कम से कम अच्छे से कर लें अपन। ये काम की टेंशन नहीं हो, ना पढ़ाई की टेंशन हो। अगर दिन को अपन होता है, कभी कभी काम ज़्यादा होता है तो आप उसको रात में नहीं निपटाने की जरिए। बस अब मैं सोऊंगी क्योंकि बहुत रात हो गई है। गुड नाइट।